वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम वन के मार्ग में पाठ को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बच्चों, आपको नाम से ही पता चलता है कि वन के मार्ग में, हम सभी को पता है कि जो हमारे श्री राम जी हैं वो वनवास गए थे, वन में रहने के लिए गए थे। तो ये जो हमारी कविता है, जो हमारा पाठ है, उन्हीं से आधारित है। उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है कि जब श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में जा रहे थे, तो उनके वन के मार्ग में यानी कि वन के रास्ते में क्या क्या उन्होंने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उन सभी के बारे में हमें बताया गया है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें इस पाठ में क्या बताया गया है। सबसे पहले बच्चों, हम ये जानते हैं कि हमारे इसी पाठ, ये जो कविता है, इसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी। इस पाठ के लेखक, इस कविता के लेखक कौन है? तुलसीदास जी। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसके सारांश को पढ़ते हैं कि हमें इस पाठ में आगे क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें हमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया, यानी कि तब उस समय के बारे में बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे, यानी कि वन में रहने के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गई और उनके माथे पर पसीना छलक गया, यानी कि जब नगर से वह थोड़ी ही दूर निकले थे, नगर से थोड़ी ही दूर चले थे, जो हमारी सीता माता जी है वो बहुत थक गई थी और उनके माथे पर पसीना आ गया था और उनके जो होठ है वो भी प्यास के कारण सूख गए थे। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती है, यानी कि जब सीता माता को प्यास लगती है, उन्हें पसीना आता है, तो लक्ष्मण जी उनके लिए पानी लेने जाते हैं। तो उस दशा में भी, यानी कि उस समय में भी, सीता माता जी श्री राम जी को कहती हैं कि स्वामी, आप कहीं पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लीजिए। और राम जी उनकी इस दशा को देखकर, उन्हें परेशान देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती है, यानी कि खुश होने लगती है। हमने बच्चों पाठ का, यानी कि कविता का सार तो यहाँ पे पढ़ लिया है। अब चलिए आगे हम अच्छे से, पूरी ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें हमें क्या बताया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर, बधौ धरी धीर, दय मग में डग दबे, जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुधार वे, फिरी बुझती है चलनो अब कैतिक, पुरण पुटी करी हो कित हवे, तिये की लखी आतुरता, प्रिय की अखियां अति चारों चली जल चवे। चलिए बच्चों, इन पंक्तियों का मतलब हमें जानते हैं, इन पंक्तियों का भावार्थ, इन पंक्तियों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इन अर्थों में, इन पंक्तियों में क्या बताया गया। सबसे पहले हम एक बार, हमें जो नीचे कठिन शब्द दिए गए हैं ना, हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है बच्चों पुर। पुर का क्या मतलब है? नगर, यानी कि जैसे कि हम पंक्ति से, पहली ही पंक्ति में है पुरते, यानी कि जब वो नगर से निकलते हैं, पुर से निकलते हैं। निकासी का मतलब है बच्चों निकली। रघुवीर वधु का मतलब है रघुवीर की वधु, यानी कि सीता माता जी। और मग का मतलब है रास्ता, डग का मतलब है कदम, सस्की का मतलब है दिहाई दी, भाल का मतलब है मस्तक, कनी का मतलब है बूंदे, पूट का मतलब है बच्चों होठ, केत की कितना, प्रण कुटी यानी कि पत्तों से बनी कुटी, यानी कि घास फूस से बनी कुटिया, कित कहाँ, तिय का मतलब है बच्चों पत्नी, चारू का मतलब है सुंदर और चवे का मतलब है गिरना। हमने इन सारे शब्दों के अर्थों को जान लिया है। चलिए बच्चों, अब हम पंक्ति को पढ़ते हैं और इसके मतलब को समझते हैं। पुरते निकसी रघुबीर, बधु धरी धीर, गए मग में डग दबे, जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुधार धवे। देखो इसमें क्या कहा गया है कि पुरते निकसी रघुबीर, यानी कि जब नगर से
निकली थी नगर से थोड़ी ही दूर चलने के बाद, जैसे नगर से सीता माता जी निकली रघुवीर का, वधु का मतलब हमने पढ़ा था ना सीता माता जी, कि जैसे ही सीता माता जी नगर से निकली है, धरी धीर गए मग्न, यानी कि रास्ते में उनके जो कदम है वो डगमगाने लगे हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा थक गई हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद सीता माता जी थक गई हैं, उनके जो कदम है वो डगमगाने लगी हैं। झलकी भरी भाल कनी झलकी, और उनके माथे पर पसीना झलक रहा है। पुट सूखी गए मधु धार धवे, और उनके जो प्यास के कारण उनके होठ सूख गए हैं। देखो बच्चों कि जैसे ही सीता माता जी नगर से निकली है, यानी कि वो नगर से थोड़ी ही दूर चली हैं, सीता माता जी बहुत थक गई हैं, उनके रास्ते में उनके पैर कदम डगमगाने लगे हैं, और उनके माथे पर पसीने की बूंदे दिखाई दे रही हैं, और प्यास के कारण उनके होठ भी सूख गए हैं। फिर बुझती है और वो फिर श्री राम से पूछती है, हे स्वामी चलो अब कैतिक, अब और कितना चलना है, कि अब और हमें कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हो कि थवे, और हम अपनी जो पर्ण कुटी है, यानी कि जो पत्तों से घास फूस से हम अपनी झोपड़ी यानी कि कुटिया बनाने वाले हैं, वो हम कहाँ बनाएंगे। सिये की लती आतुरता, प्रिय की अखियां अति, चारों चरी जलचवे। और सीता माता की इस व्याकुलता को देखकर, इस परेशानी को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है बच्चों, इन पंक्तियों में हमें एक बार दोबारा फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या बताया है, कि जैसे ही सीता माता जी श्री राम और लक्ष्मण जी नगर से निकले थे, नगर से थोड़ी ही दूर चलने के बाद सीता माता जी थक गई थी, और उनके माथे पर पसीने की बूंदे दिखाई दे रही थी, और उनके माथे पर पसीना आ गया था, और उनके जो होठ है वो भी प्यास के कारण सूख गए थे। फिर वो श्री राम से पूछती है, हे स्वामी अब और कितनी दूर चलना है, और जो हमारी पर्ण कुटी है वो हम अब कहाँ बनाएंगे। तिये की लति आतुरता, और पत्नी की यानी कि सीता माता की इस आतुरता व्याकुलता यानी कि परेशानी को देखकर श्री राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे हैं, वो भी सीता माता को देखकर व्याकुल हो उठती हैं। ठीक है बच्चों, इस पंक्ति को हमने पढ़ा है और इसके अर्थ को जाना है। चलिए बच्चों एक बार हम इसके भावार्थ को भी पढ़ते हैं। प्रथम पद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी वधु यानी कि उनकी पत्नी अर्थात सीता माता जी अभी नगर से बाहर निकली ही है, और उनके माथे पर पसीना चमकने लगा है, और इसी के साथ साथ जो उनके मधुर होठ है वो भी प्यास के कारण सूख गए हैं। अब वो श्री राम जी से पूछती है कि हमें अब पर्ण कुटी यानी कि जो हमारी घास फूस की झोपड़ी है वो कहाँ बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर श्री राम जी भी व्याकुल हो उठते हैं, और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रथम पद में। अब चलते हैं हम दूसरे पद में, पढ़िए चलते हैं और पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। जल को गए लखनऊ है लरी का परीखो, परिये है छा घरी हवे ढाठे। पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भू भूरी ढाठे। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी, के बैठी बिलंब लो कंकड़ काठे। जानकी नाहको नेहे लखियो, पुलको तनु बारिश बिलोचन बाठे। देखो बच्चों एक बार तो सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। लरीका का मतलब है लड़का, परीखो का मतलब है परीक्षा करना, घरिक एक घड़ी समय, ढाठे का मतलब है खड़ा होना, और पसेव का मतलब है बच्चों पसीना। जो सारे शब्द है ना हमें इस पद में पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो पहले सब हम इनके अर्थ को जान लेते हैं। बयारी का मतलब है हवा, पखारी हो का मतलब होता है बच्चों धोना, भूभूरी का मतलब होता है गरम रेत, और कंकड़ का मतलब है कांटे, और काढ़ना का मतलब है निकालना। नहा का मतलब है स्वामी, नेहू का मतलब होता है बच्चों प्रेम, और लखियो का मतलब होता है देखकर, और वारी का मतलब होता है बच्चों पानी। अब हमने इन कठिन शब्दों को पढ़ लिया है, उनके अर्थ को समझ लिया है। चलिए बच्चों अब हम इस पंक्तियों को पढ़ते हैं और इनके अर्थ को समझते हैं।
जल को गए लकुन, जैसे कि हमने पहले पद में पढ़ा था कि सीता माता जी थक गई हैं, उन्हें प्यास भी लगी है और उन्हें के माथे पर पसीना आ गया। जैसे सीता माता जी को प्यास लगी थी तो जल को गए लखनऊ, और जो जो लक्ष्मण जी हैं वो उनके लिए जल लेने गए, यानी कि पानी लेने चले गए हैं। और उनके जाने के बाद हिलरी को परिक और सीता माता जी श्री राम जी से कहती हैं, हे स्वामी, हे प्रिय, कि तुम थोड़ी देर छाव में बैठकर विश्राम कर लो, आप थोड़ी देर छाव में बैठकर विश्राम कर लो। वो उनका पसीना पोछती है, पोछी पसेऊ बरिया कर, और उनका पसीना पोछ कर जो उनके गर्म रेत में चलने के कारण उनके पांव जल गए थे तो उनको धोती है। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के बैठे विलंब लो कंकड़ काठे। और उनकी इस परेशानी को देखकर, सीता माता जी की इस व्याकुलता को देखकर श्री राम जी पेड़ के नीचे छाव में बैठकर आराम करने लगते हैं, और सीता माता जी के पैरों में जो कांटे लगे हैं उनको निकालते हैं। जानकी नाको ने लखियो, और पति के इस प्यार को देखकर, स्वामी के इस प्यार को देखकर जो सीता माता जी वो वन ही वन में पुलकित हो जाती है, यानी कि खुश हो जाती है। ठीक है बच्चों, हमने इस पद में पंक्तियों को पढ़ लिया है और उनके अर्थ को समझा है। एक बार हम फिर से जानेंगे कि हमें इसमें क्या बताया गया, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए कि जल के लक्ष्मण जी है वो जल को इनकी पानी लेने चले गए हैं, और फिर सीता माता जी कहती है, हे स्वामी, आप थोड़ी देर छाव में बैठकर विश्राम कर लीजिए। और वो उनका पसीना पोछती है, और जो गर्म रेत में चलने के कारण उनके पांव जल गए थे वो पांव को धोती है। और फिर सीता माता जी की इस व्याकुलता को देखकर श्री राम जी पेड़ के नीचे बैठकर छाया में विश्राम करने लगते हैं, और जो सीता माता जी के पैरों में कांटे लगे हैं उन्हें निकालते हैं। और स्वामी के यानी कि अपने पति के इस प्यार को देखकर, प्रिय के इस प्यार को देखकर, प्रेम को देखकर सीता माता जी मन ही मन में खुश होने लगती है, मन ही मन में पुलकित हो जाती है। ठीक है बच्चों, इन पंक्तियों को हमने पढ़ लिया है और इसके अर्थ को भी जान लिया है। चलिए भाई, इसके हम भावार्थ को पढ़ते हैं। इस पद में लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो सीता माता जी श्री राम से कहती हैं, यानी कि जब लक्ष्मण जी पानी लेने चले जाते हैं तो सीता माता जी श्री राम से कहती हैं कि स्वामी, आप थक गए होंगे, पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, तथा फिर सीता माता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। और अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता माता जी मन ही मन पुलकित यानी कि खुश होने लगती है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे दो पंक्तियां। इन पदों को हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। आगे बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नगर से बाहर निकलकर दो पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? देखो बच्चों, इसमें हमें क्या पूछा गया है कि नगर के बाहर निकलकर यानी कि दो पग दो कदम चलने के बाद जो सीता माता जी की क्या दशा हुई थी, कि सीता माता नगर से बाहर निकलकर दो पग चलने के बाद सीता माता जल्दी ही थक जाती है, उन्हें पसीना आने लगता है और उनके होठ सूखने लगते हैं। पहले क्या होता है, वो थक जाती है, फिर उन्हें पसीना आने लगता है और फिर उनके होठ सूखने लगते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर एक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दो पर। अब और कितनी दूर चलना है, पर्ण कुटी कहाँ बनाएगा, किसने किससे पूछा और क्यों? अब कितनी दूर और चलना है और पर्ण कुटी कहाँ बनाना है, यह बात सीता माता ने श्री राम जी से पूछा, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। सीता माता ने श्री राम से पूछा है और इसलिए पूछा है क्योंकि वो बहुत थक गई थी। ये था हमारा प्रश्न नंबर दो। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर तीन पर। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की?
यानी कि जब सीता माता थक गई थी तो राम ने उनकी क्या सहायता की, चलिए बच्चों जानते हैं। राम थकी हुई सीता के पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे, जिससे सीता को आराम करने का अधिकाधिक समय मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। यानी कि जब सीता माता के पैरों से वो कांटे निकाले तो वो पैर कांटे आराम आराम से देर तक निकाल रहे थे, ताकि सीता माता जी ज्यादा समय तक आराम करें और उनकी थकान कम हो जाए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। देखो बच्चों, जो हमने दो पैरे पढ़े हैं ना, ऊपर दो पद पढ़े हैं, अब हमें दोनों में अंतर बताना है कि उन दोनों में क्या अंतर है। चलिए जानते हैं। पहले सवय में सवैये में तो हमें बताया गया है कि जब सीता माता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद वो काफी थक जाती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है और उनके होठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता में राम से पूछती है, अभी और कितना चलना है, प्रण कुटी कहाँ बनाना है। तो इस समय में सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते। देखो बच्चे, पहले में तो क्या था कि जैसे वो नगर से बाहर निकलने के बाद थक जाती है, पसीना आने लगता है, होठ सूख जाता है और वो श्री राम जी से पूछती है, अब हमें कितना और चलना है, प्रण कुटी कहाँ बनानी है। और सीता माता की इस परेशानी, इस व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चलिए अब दूसरे सवैये में जानते हैं कि हमें क्या बताया है कि सीता राम की व्याकुलता को देखकर कहती है कि जब तक लक्ष्मण पानी लेकर नहीं आ जाते तब तक पेड़ की छाया में विश्राम कर ले। और श्री राम पेड़ की छाया में बैठकर सीता के पैरों से कांटे निकालते हैं। यह देखकर सीता मन ही मन प्रीतम के प्यार में पुलकित हो उठती है, खुश हो उठती है। ठीक है बच्चों, अब हमने दोनों सवैयों के अंतर को भी जान लिया है और हमारा ये था प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। देखो बच्चों, पाठ के जैसे जो भी चीजें हमने पाठ में पढ़ी है उसके आधार पर जो वन के मार्ग का वर्णन आपके मन में आता है, आपके दिमाग में आता है, तो उसका वर्णन करो और बताओ। वन का रास्ता कांटों से भरा था, वैसे मार्ग पर संभल कर चलना पड़ता है। रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था, खाने की वस्तुएं भी नहीं थी, पानी कहीं नजर नहीं आता था, चारों तरफ सुनसान और असुरक्षा का वातावरण था। क्या था? जैसे कि वन का रास्ता होता है, वो जो पेड़ पौधे होते हैं तो वह कांटे भी होंगे, तो जो वन का जो रास्ता वो कैसा था, कांटों से भरा हुआ था। और वन के मार्ग मर संभल कर चलना पड़ता था, रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, खाने के लिए भी नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था और चारों तरफ सुनसान और असुरक्षा का ही वातावरण था। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 5 और इसी के साथ हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे हैं हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। अनुमान और कल्पना के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़े होने तथा पांव धो लेने पर बड़ी ग्राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। देखो बच्चे, इस प्रश्न में हमें क्या बताया है कि गर्मी के दिनों में जो हमारी कच्ची सड़क होती है, यानी कि कच्ची सड़क का क्या मतलब है बच्चे, जहाँ पे बिल्कुल रेत ही रेत होता है उसे हम कच्ची सड़क बोलते हैं। तपती धूल में, यानी कि जो कच्ची सड़क पर जो वो रेत होती है, मिट्टी होती है, वो बिल्कुल तपती, गर्म हो जाती है, तप जाती है,
तो हम अगर उसमें नंगे पैर रखते हैं, यानी कि अगर नंगे पैरों से उस पर चलते हैं, तो हमारे पाँव बिल्कुल कैसे हो जाएंगे ना, बिल्कुल जल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़े होना और अपने पाँव को धो लेने से हमें बड़ी राहत मिलती है, हमें बड़ी शांति मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें प्यास लगने पर हमें पानी मिल जाए और भूख लगने पर हमें खाना मिल जाने से हम शांत हो जाते हैं, ऐसे ही अगर हमारे पैर जले हुए हैं उन्हें धो लेने से भी हमें ऐसे ही राहत मिलती है। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी, तुम्हें भी ऐसे ही किसी वस्तु की जरूरत पड़ी होगी, अगर और वो चीज अगर तुम्हें मिल जाती है तो तुम सोच कर लिखो, आवश्यकता पूरी होने के जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिलती उसके पहले तुम्हारे मन की क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, उसके बारे में बताओ। चलिए जानते हैं। आवश्यकता पूरी होने के पहले तक मन बहुत विचलित रहता है, यानी कि मन बहुत बेचैन रहता है। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि इच्छा पूरी होगी या फिर नहीं होगी, यानी कि जो हम चीज, जो हम वस्तु चाह रहे हैं वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। मन में एक तरह की बेचैनी होती है कि जितना जल्दी हो सके जो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए, यानी कि जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, हमारी जरूरत की चीज पूरी हो जाए। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न अनुमान और कल्पना का। आगे चलते हैं भाषा की बात के प्रश्न पर, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, जैसे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें हमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, लखी, धरी, पोछी, जानी। तो लखी का मतलब है बेटा बच्चों देखकर, धरी का है रखकर, पोछी का है पोंछकर, और जानी का है जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो, जैसे कि जो ऊपर ये शब्द लिखे हैं और उनके अर्थ लिखे हैं, आप उन्हें ध्यान से देखो, यानी कि ध्यान से समझो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ देते, देखो बच्चों, बच्चों सभी में लास्ट में यानी कि आखिर में क्या जुड़ा हुआ है, कर जुड़ा हुआ है। देखकर, रखकर, पहुंचकर, जानकर, सभी के आखिरी में क्या है, कर जुड़ा हुआ है। उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है, ई को जोड़ा जाता है। जैसे कि अवधि में बैठ है तो बैठी, हिंदी में बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी अपनी भाषा के आधार पर 6 शब्द लिखो और उन्हें अपनी कक्षा में बताओ। चलो बच्चों जानते हैं, मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है पर भोजपुरी में निम्न उद्देश्य के लिए अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते। देखो बच्चों, देखकर, देखकर का, देख अगर हमें को बोलते हैं ना कि किसी चीज को देखकर चलो, तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं, देख के, यानी कि ताक के। तो वहां पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम के का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है हमारा बैठकर, आगे बच्चों क्या है, बैठकर, बैठकर के यानी कि बैठ के, अगर हम बोलते हैं ना किसी को बैठकर देखो, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं बैठ के देखो, तो हम यहाँ पर कर की जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं, के का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है बच्चों रुक कर, रुक कर का मतलब क्या हो सकता है, ठहर के, यानी कि रुक के, हम ये बोलेंगे ना रुक कर चलना, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं रुक के चलना, तो यानी कि ठहर के, हमें कर की जगह किसका प्रयोग करना है, के का प्रयोग करना है। आगे है सोकर, यानी कि सूत के, सोकर का मतलब क्या है बच्चों, इसमें सूत के। आगे है खाकर, उसके आगे इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों, खा के, तो कर की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, के का प्रयोग सकते हैं। पढ़कर यानी कि पढ़ के, तो कर के जगह हमने किसका प्रयोग किया है, के का प्रयोग किया है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। चलिए बच्चों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज। देखो बच्चों, हमें एक पंक्ति दी गई है कि मिट्टी का गहरा अंधकार, यानी कि जब मिट्टी के अंदर, यानी कि जो मिट्टी के अंदर बिल्कुल गहरा अंधेरा अंधेरा होता है, तो उसमें एक बीज डूबा हुआ है, यानी कि उसमें हम बीज बो देते हैं, तो उसमें डूबा एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है।
जब हम इस बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्द के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छह घड़ी है ढाटे, जो गद में ऐसे लिखा जा सकता है छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। तो उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद के शब्द क्रम में लिखो। चलिए बच्चों जानते हैं। पुर से निकसी रघुवीर बधू। पहली पंक्ति हमारी क्या है? पुर से निकसी रघुवीर बधू। इसका क्या मतलब था? कि नगर से माता जी थोड़ी ही दूर निकली हैं। अगला वाक्य है, पुट सुखी गए मधुधार धर। पुट सुखी गए मधुरा धर, यानी कि जो सीता माता जी के जो मधुर होठ है वो सूख गए हैं। बैठी विलम्ब लो कंकड़ काढ़े। क्या है? बैठी विलम्ब लो कंकड़ काढ़े, यानी कि श्री राम जी सीता माता जी के पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। परण कुटी कहिरो कित है। परण कुटी कहिरो कित है, यानी कि अब हम परण कुटी कहाँ बनाएंगे, अब हम परण कुटी कहाँ बनाएंगे। ये सारे तो वाक्य हैं। चलिए बच्चों, हम इन्हें पंक्ति के आधार पर कैसे लिख सकते हैं? हमने इनके अर्थ को जान लिया है। पुरसे निकसी रघुबीर बधू, यानी कि सीता माता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली हैं। पुट सूखी गए मधुधार दर, उनके मधुर होठ सूख गए हैं। बैठी विलम लो कंकड़ काटे, कुछ पल के लिए श्री राम विश्राम किए और सीता माता जी के पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। प्रण कुटी कहीरो की थे, और पत्तों की कुटी यानी कि अर्थात प्रण कुटी कहाँ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आशा है सभी बच्चों को जो हमारी ये पंक्तियां हैं, ये हमारा पाठ है, अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।